कैसे हो दोस्तों, मैं आपका अपना युवराज सब भाइयों। बहुत ही दिनों से मेरे ये चैनल पे ब्लॉग नहीं आ रहा है, इसलिए आज मैंने ब्लॉग रेडी किया है। दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सुल्तान और राजा का लंच। यस दोस्तों, आज मैं सुल्तान और राजा को लंच में दूंगा मुर्गे के पंजे। यस दोस्तों, आपने सही सुना, मुर्गे के पंजे दूंगा जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है। और दोस्तों आप लोग भी अपने डॉग को क्या फूड देते हैं लंच में, वो मुझे वीडियो के कमेंट में जरूर बताना। तो भाइयों बिना किसी देरी के करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट और उनके लिए करते हैं उनका लंच को रेडी। राजा और सुल्तान से मिलते हैं। चलो ये रहा राजा, ये रहा हमारा सुल्तान। हेलो राजा, और ये रहा सुल्तान हमारे साथ। सुल्तान बेटे जी, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई आपको, क्या दिख रहा है भाई साहब। और ये रहे हमारे राजा साहब। राजा बहुत शैतानी करता है, देखो ये रहा। राजा और सुल्तान हमारे इस रूम में बिल्कुल खुले रहते हैं क्योंकि ये रूम ही इनका है, इनका छोटा डॉन का। ये बड़ा डॉन और ये छोटा डॉन। तो दोस्तों अब चलता हूँ मैं चिकन वाली दुकान पे, वहाँ से लेके आते हैं इनके लिए पंजे और आज इनको खिलाएंगे हम पंजे दोस्तों। ठीक है राजा, पंजे खाएगा ना वेरी जान। सुल्तान, सुल्तान कुछ देख रहा, पता नहीं से कुछ ना दिखाई दे रहा है या फिर से कुछ स्मेल आ रही हुई किसी चीज़ की, इसलिए ज़्यादा ध्यान दे रहा है, पता नहीं गेट पे। बाहर जाएगा क्या, लगता है बाहर जाने के लिए भाई। A few moments later. दोस्तों राजा और सुल्तान के लिए पंजे ले लिए मैंने, इस पन्नी में पंजे हैं उनके लिए, आधी के पंजे लिए दोनों के लिए। ठीक है दोस्तों चलते हैं हम जल्दी जल्दी घर, और घर चल के इनको रेडी करेंगे, धोएंगे अच्छी तरीके से और उनके लिए तैयार करके उनको खाना देंगे। दोस्तों पंजे लेके मैं घर पर आ चुका हूँ और मैंने धो के रेडी कर लिए, आइए दिखाता हूँ आपको। ये देखो धो धा के मैंने बिल्कुल रेडी कर दिया, सुल्तान वाले कटोरे रखे हैं। अब इनको ना पतीली के अंदर डाल के इनको सही से उबाल लेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और कुछ नहीं, मैं सिर्फ हल्दी डाल दूँ थोड़ी सी, और इनको सही से उबाल लेंगे जिससे ये थोड़े से उबल जाएं और गल जाएं, और फिर सुल्तान को रोटी के अंदर मिक्स करके रोटी चावल और पंजे एक साथ देंगे। ये देता हूँ मैं इनको लंच। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट जरूर बताना, उससे पहले इनको बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने इसके अंदर पंजे डाल के, पानी डाल के और हल्दी डाल के इसको गैस पर रख दिया है। अब इसे कम से कम भी 20 से 25 मिनट ऐसे ही बॉईल होने देंगे और ये जब पंजे उबल जाएंगे इनको ठंडा करके रोटी और चावल में मिक्स करके सुल्तान और राजा को देंगे। उससे पहले सुल्तान को एक बार घुमा के लेके आते हैं, वो सुबह से घूमने नहीं गया है ना, तो उसको प्रेशर आ रहा है, उसको घुमाने ले चलते हैं। दोस्तों सुल्तान को पट्टे में बांध के रेडी कर लिया है, सुल्तान गेट के पास जाके खड़ा हो गया है कि कब गेट खुले और कब ये बाहर निकल जाए। दोस्तों बिना किसी देरी के ले चलते हैं सुल्तान को बाहर घुमाने के लिए। दोस्तों सुल्तान को लेके आ चुका हूँ बाहर, और ये बाहर आते ही इन्हें टॉयलेट करना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों घर में बिल्कुल भी टॉयलेट नहीं करता ना पोटी करता भाई, सबसे अच्छा लगता है मुझे राजा और सुल्तान मेरे, क्योंकि वो दोनों घर में टॉयलेट ना ना पोटी ना टॉयलेट, घर में कुछ नहीं करते। भाई ये सुल्तान को घुमा के मैंने यहाँ पे बिठा दिया है, उसको पानी भी दे दिया था पर इस पागल से ने पानी फैला दिया है। और देखो राजा किस तरीके से आराम फरमा रहा है दोस्तों, देख रहे हो, और ये रहा हमारा सुल्तान। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं सुल्तान के ना बाल काट दूँ, तो आज मैं अपने उसके जो सुल्तान है जो कंगा है ना उससे उसके बाल काटूँगा, और देखना कि जर्मन शेफर्ड जो लॉन्ग कोट के होते हैं वो कितने बाल, उनके कितने बाल झड़ते हैं, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ दो मिनट में। दोस्तों उसको बाल काट के आप दिखाता हूँ कितने बाल झड़ते हैं इसके। मैं इसके रोज ऐसे बाल काटता हूँ, जो उसके टूटे बाल होते हैं वो कंगे में उलझ के आ जाते हैं बाहर। देखो दोस्तों देख रहे हो, ये इतने सारे बाल, देखो एक बार में इतने सारे बाल आते हैं इसके, और बाकी मेरे शरीर में चिपक गए। तो इसलिए जो भी जर्मन शेफर्ड डॉग पालते हो या फिर कोई भी लंबे बालों का बाल डॉग पालते हो ना जिसके लंबे हेयर होते हैं, उसके लिए आप ऐसा कंघा ला के उसके रोज बाल काटें जिससे कि उसके बाल सारे उसकी बॉडी से निकल जाए। अगर मैं उसके दोबारा बाल काटूंगा ना तो दोबारा इतने बाल
इसके निकल के आ जाएंगे। सुल्तान क्या हुआ बेटा? सुल्तान मेरी जान, देखा मैं अपने सुल्तान के बाद रोज काटता हूँ इसे, इससे कि उसके बाल बिल्कुल सही रहें और जो कोई इसके टिक्स ना हो, जो चिड़चिड़ी होती है वो नहीं होती, क्योंकि वो भी बाहर आती है इससे कंघे से। देखो आ गए ना सारे बाल, और ये इसके अभी तो सिर्फ मैं दिन में 3 बार काटता हूँ, तो दिन में 3 बार इतने बाल आते हैं इसके, मतलब कि बहुत बाल टूटते हैं। इस तरीके से मैं उसके बाल काट देता हूँ। यहाँ जा, यहाँ अपने जगह था, किसी और जगह अपने बैठते हैं, दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, अब देखते हैं सुल्तान का खाना भी बनकर रेडी हो गया होगा। दोस्तों मैंने सुल्तान और राजा का लंच रेडी कर दिया है, 10 रोटी तोड़ के उसके अंदर चिकन के जो पंजे थे वो डाल दिए हैं, पहले देंगे राजा को फिर देंगे सुल्तान को। तो दोस्तों और मैं ना आज आपको राजा की एक चीज़ और दिखाऊंगा कि राजा ना कैच बहुत अच्छी करता है, वो भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब ना राजा को देते हैं पहले खाना, फिर देंगे सुल्तान को, क्योंकि अगर मैं पहले सुल्तान को देता ना तो राजा बहुत भौंकता है, तो पहले राजा को देंगे। दोस्तों देखो तो राजा कितने प्यार से अपना चिकन और अपनी रोटी खा रहा है। सबसे पहले देखो चिकन के जो पंजे होते हैं ना उनको फिनिश कर रहा है दोस्तों। तो ये अब अपना खाना फिनिश करता है, इसके बाद देंगे अपने राजा, अपने मतलब कि सुल्तान को। राजा को तुमने दे दिया है और सुल्तान को प्यार कर रही है प्रियंका, क्योंकि प्रियंका को बहुत पसंद करता है हमारा सुल्तान। देखो कैसे खेल रहा है, देखो देख रहे हो इसके कैनाइन दांत भी दिख गए हैं आपको, देखो कितने प्यार से खेल रहा है। तो यार जानवर को प्यार करोगे ना वो भी आपको प्यार ही देगा बदले में। और ये हमारा खाना खा रहा है। A few moments later. तो फाइनली दोस्तों मैंने सुल्तान को भी खाना दे दिया है, ठीक है। और देखिए किस तरीके से खाना खा रहा है, अपना आराम से खाना खा रहा है दोस्तों। और भाइयों अभी अपना खाना फिनिश करेगा और फिर दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा राजा की कैच कैसे करता है। राजा बहुत प्यारी कैच करता है भाई, इसको खाना खाते समय डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और राजा देखो इधर घूम रहा है, इधर देखो जरा, राजा सुल्तान को खाना खाते समय डिस्टर्ब करता है बहुत ज़्यादा, और हमारा सुल्तान बहुत ही प्यारा खाना खा रहा है। इन दोनों को ही फाइनली खाना दे दिया है और इनका रूम में मैंने झाड़ू मार दी है, चमका दिया है। ये रहा हमारा राजा और ये रहा हमारा सुल्तान। फाइनली सुल्तान ने अपने कटोरे को देखो कितने प्यार से चमका दिया है सुल्तान ना, देखो इतने प्यार से हमारा सुल्तान खाने को फिनिश कर दिया है। और ये रहा हमारा सुल्तान खाना खा के साइड हो चुका है। दोस्तों अब मैं ना आपको दिखाता हूँ राजा की कैच, राजा कितने प्यार से कैच करता है देखो। दोस्तों उस साइड हमारा सुल्तान चिकन के पंजे है ना वो खा रहा है, उनको ख़त्म कर रहा है, और इधर हमारा राजा बैठा हुआ है, देखो मुँह खोल के, क्योंकि मेरे हाथ में एक चिकन का पीस, देखो जो चिकन का पंजा है उसका पीस है मेरे हाथ में। अब मैं आपको दिखाता हूँ राजा की कैच, राजा कितने प्यार से कैच करता है। मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ उससे, ओए इधर देख पागल से, ओके दिखा दूँ 1 2 3 देखो करा कैच कितने प्यार से, वो सीधा मुँह में और ख़त्म भी कर दिया। देखो इसे एक बार दिखाता हूँ आपको दोबारा, कि यार मैं थोड़ा सा और दूर आ गया हूँ, ठीक है। हाथ में ले लिया चिकन का पीस और देखना फेंक के दूंगा कितने प्यार से कैच करेगा। सो राजा कैच देखो क्या कैच खा गया, और कैच करते ना लाइट और भगा दी इस पागल से ने, लाइट भाग गई है। सुल्तान हमारे को कितना कम चमक रहा है ना अंधेरे में, और इसने इतनी प्यारी कैच करता है। राजा मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसकी ना कैच बहुत ही प्यारी है, खाने की चीज़ को बिल्कुल भी धरती पे गिरने नहीं देता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद करते हैं हम अपने ब्लॉग का एंड। तो मेरे भाइयों अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, हमारे सुल्तान अच्छा लगा हो, राजा अच्छा लगा हो, और वीडियो से कोई जानकारी आपको मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग अपने डॉग्स को लंच में क्या देते हैं, और क्या चीज़ मेरे जर्मन शेफर्ड सुल्तान के लिए और लैब्राडोर राजा के लिए क्या अच्छा रहेगा, प्लीज़ आप लोग मुझे रिकमेंड करना। आपका अपना युवराज साबुन, मिलता रहूँगा शानदार शानदार ब्लॉग के साथ, मिलता हूँ, बाय बाय। राजा बाय बाय कर दो, सुल्तान आप भी बाय बाय कर दो।